नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो याद रखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। आज बात करने वाले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। याद रखना है आपको कि जितने भी महत्वपूर्ण आपके संगठन खत्म होते जा रहे हैं, वो सभी एक जगह डाल दिए जाते हैं। वो है आपकी अपनी फिलेलिस्ट सूची, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से। तो बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले हमारा जो 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक ही बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी। पहले एक ही आयोग था दोनों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि 89वें संविधान संशोधन द्वारा, 89वें संविधान संशोधन द्वारा आपका अनुसूचित जनजाति आयोग अलग कर दिया गया। ये कब हुआ था 89वां संविधान संशोधन? 2003 में। और इसमें संविधान के भाग 16 के अंतर्गत आर्टिकल 338 ए जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 338 ए जोड़ा गया। और 338 जो है ये आपका अनुसूचित जनजाति, 338 ए अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग 338 से संबंधित है। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के भाग 16 में आर्टिकल 338 ए के तहत स्थापित किया गया 89वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और तीन सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और सेवा शर्तें, कार्यकाल भी राष्ट्रपति जी ही निर्धारित करते हैं। एसटी के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित मामलों की समीक्षा करना इनका कार्य है। एसटी के यानी कि अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करना इनका कार्य है। एसटी के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। एसटी यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के हित में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। राष्ट्रपति के आदेश से एसटी के हितों में कार्य करना है इसका कार्य। वन क्षेत्र में रह रही एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का संरक्षण करना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियों की बात करें हम लोग, तो इसकी शक्तियों में शामिल है आयोग को अपनी कार्यविधि को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित विषय की जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। संघ और राज्य सरकारें अनुसूचित जनजाति से संबंधित विषयों पर आयोग से परामर्श लेती हैं लेंगी। ठीक है, तो ये था आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आगे हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।